गर्ल्स पावर लेडीज जिम, जहां कार्डियो वेट मैनेजमेंट, फ्लोर एक्टिविटीज, स्ट्रेंथ और पर्सनल ट्रेनिंग, बेसिक डाइट एंड इंच कार्ड विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जिम ट्रेनिंग कोर्स पर 20% ऑफ, स्मार्ट ट्रेनिंग प्लान और फुल बॉडी चेकअप। साथ ही ब्यूटी पार्लर सर्विस और क्लास पर 30% ऑफ। फिटनेस एंड ब्यूटी लवर्स की पहचान है फॉर द बेस्ट रिजल्ट। ज्वाइन गर्ल्स पावर, बी फिट बी फैबुलस। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के घर के पास पिस्तौल के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी क्या दहशत फैलाने का मकसद था या फिर उसका कुछ और प्लान था? ठाणे पुलिस आरोपी से जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि ठाणे शहर में पिछले कुछ दिनों से चैन स्नेचिंग की घटनाएं जो है लगातार बढ़ रही थी और ठाणे गुनहे शाखा को जानकारी मिली थी कि चैन स्नेचिंग का एक आरोपी मुंबई से अम्बेवली की ओर ठाणे से होकर जाने वाला है। पुलिस ने जाल बिछाकर सुनील गोयल नामक आरोपी को 5 पखाड़ी सर्विस रोड से गिरफ्तार किया है। ठाणे गुनहे शाखा द्वारा गिरफ्तार हुए आरोपी सुनील गोयल को पिस्तौल के साथ 5 पखाड़ी सर्विस रोड से गिरफ्तार किया गया है। जहां से आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसी के सामने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का घर भी है। लेकिन पुलिस ने बताया कि यह आरोपी मुंबई से ट्रेवल करते हुए अम्बेवली की ओर जा रहा था और इसी दौरान हमें जानकारी मिली कि एक आरोपी ठाणे से गुजरने वाला है और हमने जाल बिछाकर आरोपी को 5 पखाड़ी सर्विस रोड से गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिस्तौल बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे वेपन रखने के लिए किसी दूसरे आरोपी ने दिया था। पुलिस पूरे मामले को की गहनता से जांच आगे कर रही है। शिवराज पाटिल गुनहे शाखा क्राइम उपायुक्त जोन एक ने क्या जानकारी दी है इस पूरे मामले को लेकर आपको सुनाते हैं। गिरफ्तार किया गया उसके सामने जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का घर है, इस तरीके से वेपन के साथ उसको पकड़ना, क्या आपके इन्फॉर्मेशन में क्या कुछ उसने बताया कोशिश की? ऐसा कुछ को रिलेटेड कुछ भी नहीं है। जो आदमी हमने पकड़ा, आरोपी पकड़ा गया, वो 5 पखाड़ी एरिया से मिला, वो मुंबई से आ रहा था और वो लगभग अम्बेवली मतलब जो कल्याण डोंबिवली की तरफ जा रहा था। तो ऐसा कुछ एरिया में, कौन से एरिया में पकड़ा जाता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वो एरिया से पास होते वक्त तो वो वहाँ पे ट्रैप हो गया और इंट्रोगेशन के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। तो हम वही है कि ये रखने के लिए उसके पास वेपन दिया गया था और आगे जाके इसमें जो पिस्टल है वो किसी उसके लिए वो यूज़ करने वाले थे, वो तपास में सामने आए। थैंक यू। ओके, थैंक।